ये सब कैसे हुआ? ख्याल आके नाकस दवाइयों के इस्तेमाल की वजह से इनकी ये हालत हुई। और दवाइयाँ तजी के लिए लेबोरेटरी भेज दी गई हैं। जैसे ही रिपोर्ट्स आए मुझे इन्फॉर्म करो। हमारी बनाई हुई मेडिसिन से बहुत से लोग मर गए और बहुत से मौत के किनारे पहुंच गए। डॉक्टरों के बोर्ड ने क्या फैसला दिया है? अभी दवाएं एग्जामिनेशन के लिए लेबोरेटरी भेजी गई हैं। रिपोर्ट कल आएगी जो यकीनन हमारे खिलाफ होगी। रिपोर्ट तैयार करने वाले लेबोरेटरी इंचार्ज का खानदान कितना है? सजाद कशिफ, अरे बेटे स्कूल की वैन आ गई है, चलो। दिनू, ओ दिनू बाबा। जी मालिक। बच्चों को वैन तक छोड़ा। खुदा हाफिज बेटा। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज। आप नाश्ता नहीं करेंगे? नहीं, आज मैं जरा जल्दी में हूँ, आज मुझे एक इमरजेंसी रिपोर्ट तैयार करनी है। खुदा हाफिज। सुनिए जी, शाम को मेरी सहेली के बच्चे की सालगिरह है, अगर आप कहें तो बच्चों को लेकर चली जाऊं। चली जाना। और सच मुझे याद आया कि आज रात में जरा देर से आऊंगा, वो ऑफिस में मुझे कुछ काम है। ऑलराइट, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कौन है आप लोग और मेरा रास्ता क्यों रोका है? आपका इनाम, मेडिसिंस की रिपोर्ट जो आप लिख रहे हैं उसका एक एक लफ्ज चीख चीख कर ये कहेगा कि मेडिसिंस जाली नहीं असली है। बोलिए, खामोश क्यों हैं आप? क्या सोच रहे हैं? सोच तो कुछ नहीं रहे जी, वो क्या है कि इतने ढेर सारे नोट जिंदगी में पहली बार देखे हैं। आप बिल्कुल मुतमईन रहिए, आपने जैसे फरमाया वैसे ही होगा। सर ये रही रिपोर्ट, ये मेडिसिन जाली ही नहीं इंसानी जिंदगी के लिए इंतहाई खतरनाक भी है। गुड। और ये है वो भारी रिश्वत जो मुझे रिपोर्ट बदलने के लिए दी गई। सर इंसानियत के इन कातिलों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, मेरा बस चले तो इंसानी जिंदगियों से खेलने वाले इन बेजमीरों को सरेआम फांसी पे लटका दूं। सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आप वो हस्ती हैं जो सदियों में पैदा होती है। अगर इस मुल्क की कौम बुरा ना माने और मेरे बस में हो तो मैं आपकी तस्वीर इस मुल्क की करेंसी नोटों पे छपवा देता। क्यों गुनाहगार करते हैं साहब? वैसे मैंने आपको पहचाना नहीं, आप हैं कौन? मैं ही वो बदनसीब हूं कि जिसे तुम्हारी रिपोर्ट ने बर्बाद कर दिया था। ओ तो तुम हो इंसानी जिंदगियों से खेलने वाले तरिंदे। और अब तेरी मौत बनकर आया हूं
एक बात याद रखना, मैं सच हूं और सच को मौत नहीं आती, सच तारीख होता है। सूली के साए में खड़ा हो तो मंसूर, जहर के प्याले के पास खड़ा हो तो सुकरात, और खाके करबला पे खड़ा हो तो हुसैन इब्ने अली होता। तुम हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहे हो तो फिर मैं यजीद का पैरोकार हूं। चौधरी, हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। यह वादा है मेरा आपसे, जिस दिन कातिल पकड़े गए। कुछ भी नहीं होता एसपी साहब, सबूत ना मिलने की वजह से कातिल रिहा कर दिए जाएंगे और मेरे शौहर के कत्ल की फाइल दाखिले दफ्तर कर दी जाएगी। मेरे कहने का मतलब है? नहीं एसपी साहब, नहीं, मैं बेवस जरूर हुई हूं लेकिन मैं औलाद नहीं होगी। मैं ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं ये शहर छोड़कर सचात, तुमने अभी तक यूनिफॉर्म नहीं पहना, क्या बात है बेटा? माँ, आपके हाथों पे चाले। जो बच्चे यतीम हो जाएं बेटा, उनकी माओं के हाथों पर छाले ही होते। जो असासा था एक साल में बेचकर खा गए, अब तुम दोनों की पढ़ाई और रोटी के लिए मजदूरी तो करनी पड़ेगी ना। चल तू स्कूल जा। नहीं माँ, आज के बाद स्कूल सिर्फ मुन्ना जाएगा। और तू? मैं स्कूल नहीं, काम पे जाऊंगा। सज्जाद, आपको मेरी कसम कुछ मत बोलिए, घर का बोझ मैं उठाऊंगा, शहर की सड़कों पर मैं ना मजदूरी मैं करूंगा। जल्दी करो, बहुत देर लगा दी तुमने। थोड़ा वक्त लगेगा साहब। अरे तुम बोलते बहुत हो, हरामी के बच्चे। क्या कहा? ए, बात सुनो। तू इधर आ। ए बच्चे, इधर आओ, तुझसे काम है। काम तुझे है, तू आ। हाथ भर का लौंडा तुझे समझकर कोई माने या ना माने, मगर हम तुम्हें मान गए, तुम एक तोहफा हो। मस्का लगाने का नहीं, मतलब की बात करो। घर में कितने लोग हैं? राशन कार्ड बनाना है क्या? पूछा है इस मासूम के सर पे किस किस का बोझ है? माँ है, छोटा भाई है,
बाप? बाप होता तो मैं मजदूरी करता। कल से तू ये जिल्लत नहीं उठाएगा। मेरा घर कैसे चलेगा? मैं हूँ ना, तेरी हर जरूरत पूरी करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? सज्जाद। ये नाम तेरे घर वालों के लिए है, मेरे लिए तो तू राजा है। ये लो कार्ड और पैसे, अपनी माँ के हाथ पे रखो, खुश हो जाएगी। लो। इस मेहरबानी के बदले मुझे क्या करना होगा? वक्त आने पर तुझे सब कुछ बता दिया जाएगा। नेता साहब, मैं समझा नहीं आपने ये क्या किया। ए चरिया, तेरी समझ में आता तो मेरी जगह तू ना होता। मैंने बच्चा नहीं, इसकी जिद खरीदी है। आज उसका ये आलम है, तुझे अंदाजा नहीं कल ये क्या बनेगा। सागा, सुबह जब तित्ता यहाँ आएगा तो उसे हमारे और अपने बिजनेस डील की उड़ती हुई राख मिलेगी। और जब हमारा जहाज एयरपोर्ट से टेक ऑफ करेगा तो हम दुनिया के अमीर तरीन और जितना गरीब तरीन आदमी होगा, इसलिए कि उसकी सारी दौलत हमारे साथ जा रही है, हमारे साथ। नहीं, तुम्हारा बाप दित्ता साहब की सारी दौलत ले जाने का ख्वाब देखने वाले गद्दारों, तुम दित्ता साहब का एक रुपया भी मुल्क से बाहर लेकर नहीं जा सकते। हम तुम्हें एक मिनट की मोहलत देते हैं, हमारा रास्ता छोड़ दो वरना। मैं तुम्हें एक सेकंड की मोहलत देता हूं, सर झुकाकर मेरे साथ दित्ता साहब की अदालत में चलो, वरना तुम्हारी लाशें घसीटता हुआ उनके कदमों में ले जाऊंगा। हट जाओ हमारे सामने से, जिद ना करो। दबे की औलाद, जिद्दी से कहते हो जिद ना करे। Thank you.
जानते थे ये बदबख्त कि जुर्म के जंगल में हमारा एक ही शेर है जिसका मुकाबला कोई जानवर नहीं कर सकता। इसे हमारी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दे देता साहब, माफ कर दे। तुम तो गलती कर बैठे हो मगर तुम्हें जिंदा छोड़कर हम गलती नहीं करेंगे। मैं चलता हूं देता साहब। अरे भाई कहां चल दिए, तुम्हें कुछ याद भी है कि नहीं? मैं समझा नहीं देता साहब। तुम भूल सकते हो हम नहीं। आज के दिन हमारा ये शहजादा दुनिया में आया था। ओ याद आया देता साहब, आज तो मेरी सालगिरह का दिन है। मुझे जाने दें, घर पे माँ और भाई दोनों मेरा इंतजार करेंगे। प्लीज ठहरो राजा, पहले हमारी खुशी पूरी कर दो फिर मां और भाई की खुशी पूरी कर देना। आज हमने तुम्हारी सालगिरह के मौके पर बहुत बड़े जश्न का इंतजाम किया है। दीवा
छुपाओ अपना इनाम। शायद तुम जमीन पे गिरे हुए नोटों का वजन कर रही हो। नहीं। तो फिर क्या बात है? नोट बहुत देखे हैं मैंने, आपका जर्फ देख रही थी। अगर मालूम होता कि आप इस तरह इज्जत देंगे तो कभी इस दहलीज पर कदम ना रखती। मेरा नाम दिल नशी है, दिल जले जो मेरे कदमों में फेंकते हैं। मैं उन दिलों के नजराने कबूल नहीं करती, तो जमीन पर गिरे ये नोट कैसे उठा लूं? तोहीन कर रही हो हमारी। तोहीन तो आप कर रहे हैं मेरी। पेशा नाचना और इतना गुरूर। बाजार के लोग कहते हैं कि गुरूर बना ही दिल नशी के लिए है। हम तुम्हारा गुरूर तोड़ेंगे, फिर हम भी आपके पोल खोलेंगे। बदसुबान! अरे नहीं दित्ता साहब, कभी कभी सच भी सुन लेना चाहिए। जाओ दिल नशीन, अपने गुरूर को समेट कर चले जाओ, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। तो गर्म हो गई है। पानी चाहिए। यही रुको। छोड़ो मुझे। अच्छा वैसे वो थाने में रंग बिरंगी चिड़िया आई। सुभान अल्लाह सर जी, क्या रौनक लगा दिया है। वह ये सूरतें किस देश बस्तियां हैं, इनको देखने को तो आंखें तरसतियां हैं। पूरा ठाणा गुलो गुलजार हो गया सर जी। वो सद के जाऊं, इधर आए ना, वो इधर तो आ। वो तू लड़की है या किसी ने खुसरा मरम्मत कराया है? परे हट, वो परे हट जा। वो नूरी, वो तू सरदारी की बेटी है ना? हाँ जी। उन दिनों मैं उधर ही थाने में ड्यूटी करता था। तेरा छोटा भाई कैसा है? आपको बहुत याद करता है हवालदार जी। अल्लाह मैं माफ कर देना, अल्लाह का माल है चुक ले उसको। सदके जाऊं,
तुम्हारी एंटरटेनमेंट वाली टीम ये पीस कब शामिल हुआ है? मैं पीस नहीं। तो और आपा बिल्किस है? मुझे फोन करने दो। किस यार को करना है? अमीर से बात करो। शट अप। करने धंधे और सिखानी तमीज है। वो बलूंगड़े हो, वो अखबार वालों को टेलीफोन करो, वो ठाणा पक गया है। डिप्टी साहब आ गए हैं। सर जी, आज के कामयाब छापे में ये कट पीस बरामद हुए हैं जी। ठीक है, चलान करके इनको सेल में बंद करो, कल अदालत में पेश करके इनका रिमांड ले लेना। एक्सक्यूज मी। जी, क्या बात है? सर, वो सर सड़क पर मेरी गाड़ी का रेडिएटर खराब हो गया, पानी लेने मैं इनके फ्लैट पर गई, पुलिस का छापा पड़ गया और मैं भी पकड़ी गई। ट्रस्ट मी। तो फिर तुम कौन हो? जी, मैं वो शहर के मशहूर बिजनेसमैन तिता साहब की बेटी हूँ। ठीक कह रही है ये। सर, जब हमने छापा मारा ये दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। ठीक है, इसके अलावा बंद कर दो इन सबको। आइए, मैं आपको अपने घर तक छोड़ दूं। थैंक यू। सर जी, जो सबसे अच्छा टोटा था वो तो वड्डा साहब ले गया है, और ये जो बाकी मांदा टोटे हैं ये तो सिनेमा में चलने के काबिल भी नहीं है। सुना था पुलिस वाले किसी के सच को नहीं मानते। दरअसल सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। आपकी तबीयत बहुत अच्छी है। शुक्रिया। आपकी बीवी तो आपसे बहुत खुश होगी। जी, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। मंगनी? जी, वो भी नहीं। आप किसी से प्यार तो करते होंगे? जी नहीं। आप तो ऐसे मालूम कर रही हैं जैसे आपने मुझसे शादी करनी है। जी नहीं, वो चले। हाँ चले। काशिफ, मेरे डैडी। थैंक यू डिप्टी काशिफ, अगर आप ना होते तो मेरी बड़ी बदनामी हो जाती। इट्स ऑल राइट, चलता हूँ सर। एक्सक्यूज मी, हम आपको खाना खाए बगैर नहीं जाने देंगे। हाँ मेरी बेटी ठीक कहती है, आप पहली दफा यहाँ आए, खाना खाएंगे तो हमें खुशी होगी। खाना उतार रहा सर, आज मेरे भाई की सालगिरह, माँ इंतजार कर रही होगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। माँ, फुर्सत मिल गई घर आने की? सॉरी माँ, देर हो गई, काम जो बहुत करना पड़ता है। जी तो चाहता है तेरे लिए आसमान के तारे तोड़ना हो। नहीं चाहती मैं आसमान के तारे, मैं चाहती हूँ कि तू मेरी आंखों के सामने रहे। माँ, मैं तो तेरी नजरों के सामने हूँ। वैसे माँ, ये मुन्ना नजर नहीं आ रहा। भैया, लो वो आ गया। अरे मुझे क्यों सलूट करता है? सलूट करना है तो माँ को कर। आज हम जो कुछ भी हैं इसी की दुआओं से तो हैं। जीते रहो बेटा। सज्जाद, बहुत हो गई, जल्दी से केक काटो। चलो चलो चलो। केक माचिस गिर गई ये। बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भैया, एक और। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सज्जाद भाई, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं रह गया माँ। नो, तुम भी खाओ। अब माँ खाएगी। हाथ इधर लाओ भैया। क्यों,
हथकड़ी लगाएगा क्या? उस दिन टूट जाए ये हाथ जब अपने भैया को हथकड़ी लगाएं। मैं तो आपके लिए तोहफा लाया हूं, ये घड़ी। तो फिर अपने हाथों से पहना दे। वक्त देखने के लिए जब भी आप घड़ी देखेंगे आपको मेरा चेहरा याद आएगा। हाँ भाई, शो कैसा लगा? एवन उस्ताद, 1500 की टिकट ब्लैक मिर्ची है। वेरी गुड उस्ताद, पुलिस वालों ने पब्लिक को डंडे मारकर निकाला है, ये है आज की कमाई। उस्ताद, मैंने आज की कमाई दी है इसकी बहन का जहेज नहीं। ये पकड़ो साथियों, मुजाहिदों, निराशियों, अगले शो की सारी टिकटें खरीद लो। तुसी ठीक कह रहे शाह जी, मैनू कोई ऐसा तवीज दे दो, मेरा 5-7 कुड़ियां नाच जान। जम जम के मेरे वाल सुट्टी जाते हो, जे प्यो का भी दसो। ओह माय गॉड, गोशी, इस मैम साहब का पता कराओ, इसकी दुम पे किसने पैर रखा है। ओके, चला चला। कहती थी ना जल्दी चलो, अब क्या हो सकता है? जी फरमाइए। गैलरी या बक्स की टिकटें होंगी आपके पास? 1-8 बैठना पसंद करोगे? क्या बकवास है ये, मेरा मतलब है जी हाउस फुल है। ओके, क्या कह रही थी? मेरा तो नहीं पूछ रही थी है? हाँ पूछ रही थी, कह रही थी मामा ईद लेके नहीं आया। ओए, वो हमारे यहाँ मामे का रिवाज रही है, बकवास ना करो। ओए, और इसको बता के मैं कौन हूँ? तू लूदा पठा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आए वो खदेटलू का पठा कह गया है, चल यार मशहूर फसाइए। मेरे पास पूरे बॉक्स का बंदोबस्त है, अंदर से ताला भी लग सकता है, फिल्म देखने के बाद पिज्जा खाने का भी है। देखिए आपकी ऑफर को ठुकराना बहुत बदजौकी होगी। आज शहजादी लगी है, शेर दिए बचिए। काजल ने तू बहुत पसंद आई है, मलाई वाली कुल्फी है। उसकी तैयार है, पढ़ाई दखते तैयार है, तेरी ये जिल्लत कालिये के मुंह पे थप्पड़ है। हाँ आज को बताओ कि मैं कौन हूँ, आज को बताओ कि मैं कौन हूँ। और मुझे क्या पता तुम कौन हो? तो फिर अपना भी बता करा। आज को बताओ कि मैं कौन हूँ, अकुल बताओ कि इसको मैं कौन हूँ, इसको बताओ है, और दुनिया वालों बताओ मैं कौन हूँ, और मैं कौन हूँ बताओ। मैं बताता हूँ कि आप कौन है। आजकल तो बताओ मैं कौन हूँ, खुशबू है, बताओ है। और सारे शहर का गन मेरे तो यहाँ पे आ जाए। चुप दे तू, आजकल बताओ मैं कौन हूँ। मैम साहब, ये शहर के सबसे बड़े। शाबाश शाबाश, एक ही सांस में बताओ है, इसको बताओ मैं कौन हूँ। मैम साहब, ये शहर के सबसे बड़े बेगैरत हैं। मैं बेगैरत हूँ, और मैं बेगैरत हूँ। ओए अटैक, woo!
जानी यार तुझे तो बड़ा गहरा जख्म आ गया है, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। नहीं बात बात सुनो, अरे अरे आपके हाथ पे तो बहुत गहरा जख्म आ गया। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, बहुत तकलीफ हो रही होगी आपको। आप एक अच्छी और शरीफ लड़की लगती हैं, उस हुंडे की बदतमीजी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। आपकी इज्जत बचाते बचाते अगर मैं कत्ल भी हो जाता तो मुझे खुशी होती। इस दौर में आपके इतने अच्छे ख्यालात हैं। ऐसे ख्यालात हर पाकिस्तानी के होने चाहिए जो कि नहीं है। वाह आप एक अजीम इंसान हैं। ये क्या कर, मुझे शर्मिंदा ना करें आप। मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ आपसे। सच? मुझ आज से तेरी हो गई सजना, दित्ता साहब।
ब्लैक पैंथर ऑन द लाइन। ओ ब्लैक पैंथर, इस सदी के सबसे झूठे इंसान। अरे मुर्दे मत उखाड़िए जित्ता साहब, अपनी गवर्नमेंट से बचने के लिए कुछ अरसे के लिए धंधा बंद कर दिया था। अब आपकी पाई पाई चुका दूंगा। कब? माल और भिजवा दीजिए जित्ता साहब, अगला पिछला सब हिसाब साफ कर दूंगा। पुराने घाक हो, एक बार फिर यकीन कर लेता हूँ। थैंक यू जित्ता साहब, थैंक यू। जगह और वक्त बता दो, मेरा आदमी पहुंच जाएगा। बोल बोल पिंजरे में। माल चेक कराओ, पहले रकम का चेहरा कराओ। ब्लैक पैंथर पहले माल देखेगा। राजा पहले रकम देखेगा। बहुत जिद्दी लगते हो। पहचान ही लिया है तो फिर वक्त जाया मत करो ब्लैक पैंथर। रकम दिखाते हो या मैं जाऊं? रुको, इसे रकम दिखाओ। गुड बाय ब्लैक पैंथर। अस्पतालों, प्राइवेट क्लिनिकों में जाकर देखो कहां है राजा।
दिल नशी, जिस तरह तुमने मेरी निगहदाश्त की है मैं भूल नहीं सकता। तिता साहब की महफिल में जो आपने हमारे लिए किया वो हम भी नहीं भूल सकते। दो नंबर काम है मेरा, लेकिन जब कोई मेरी आंखों के सामने औरत की बेइज्जती करता है तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक बार फिर आपकी हमदर्दी का शुक्रिया, खुदा हाफिज। सुनिए जी, फिर कब आओगे? हालात के रास्तों पे भाग रहा हूं, जब कभी फिर रास्ता भूला आ जाऊंगा। मैं इंतजार करूंगी। ये क्या हुआ? कौन हो तुम और ये क्या हुआ? आप? देखिए, मुझे शॉर्टकट में बात करने की आदत है। आप पहली नजर में दिल को अच्छे लगे, मुलाकात के बहाने ढूंढ रही थी, इससे अच्छा बहाना ना मिला। समझ नहीं आई, इतनी जल्दी तो जो काम नहीं होता जितनी जल्दी आपको मोहब्बत हो गई। तुम मानो ना मानो, इस दिल ने तुम्हें अपना मान लिया है। We'll be right back.
इतने थोड़े से वक्त में हम दोनों इतना करीब आ जाएंगे, मैंने कभी सोचा भी ना था। सोचने से मुझे याद आया कि हमें मिलते हुए 15 दिन 14 घंटे 32 मिनट और कुछ सेकंड हुए हैं, लेकिन तुम मुझे अभी तक अपने घर नहीं लेकर गई। घर? वो जानी, मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकती। क्यों? वहाँ छापे का खतरा है। अरे ये बात नहीं है, मेरे वालिदैन बहुत सख्त मिजाज के हैं और मेरे घर में बहुत सख्त पर्दा है। पर्दा है? हाँ। इस तरह तो बात बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वाह मेरे शहजादे वाह, यानी मुझसे लड़की छीन कर हीर रांझे का पार्ट खुद अदा कर रहा है। और मेरे शेरों, और पै जाओ कुत्तों की तरह। ओए शाबाश मेरे शेर नुमा कुत्ते हो, और मारो इसको, पूंज आशिक ना हो बेटे। क्यों मारो इसे? आए आज को बता कि मैं कौन हूं, कौन हूं मैं? मैं तुम्हें खुद बताता हूं कि मैं कौन हूं। बता मैं कौन हूं, बता। थप्पड़ी मार दिया? सच सच बताए, तूने मजाक तो नहीं किया? और कह दे यार तूने मजाक किया, भाई नहीं है मेरे। कल ये को थप्पड़, ये थप्पड़ तारीख में लिखा जाएगा। आज शगिर्द उस्ताद का छोड़ के चले गए, जाना तो तेरे पे है अब मेरे पे है। मैं फिर आऊंगा और इस थप्पड़ का रफड़ जरूर पड़ेगा। अब बच्चों मारता है। शुक्रिया नवाजिश करम मेहरबानी। अब बेवसूल ना करो, तो प्यार करने वालों को खबीस रूहों से बचा लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा है। बहुत प्यार करते हो उससे? हाँ, जान से ज्यादा प्यार करता हूं अपनी इस जान को। राजा आपने कभी किसी से प्यार किया? राजा भाई प्यार करने के लिए जिंदगी बहुत ही थोड़ी है, लोग ना जाने दुश्मनी के लिए वक्त कहां से निकाल लेते हैं। मुझे यकीन था कि तुम आओगे। शायद ना आता, आपका खुलूस और सलूक याद आया तो इस पागल दिल का सिस्टम ही खराब हो गया।
करोड़ों का माल पुलिस के कब्जे में चला गया तो किस बात का है कि पुलिस तशद्दुद से माइकल और समंदर खान की जुबान ना खुल जाए। तो फिर आप चाहते क्या देता साहब? कल माइकल और समंदर खान को रिमांड के लिए कोर्ट ले जाया जाएगा। डोंट वरी, कल वो कोर्ट तक नहीं पहुंचेंगे। जमीन पर इसलिए मारी है ताकि तुम्हें मुर्दा नहीं जिंदा गिरफ्तार कर सकूं। नकाब उतारो चेहरे से, गूंगे हो, बहरे हो या ऊंचे सुनते हो, नकाब उतारो वरना मुझे अपना फैसला बदलना पड़ेगा। नकाब उतारो, नकाब। डॉक्टर साहब, इसे बचा लीजिए, इसे बचा लीजिए। स्ट्रेचर, हरी आप ले चलो। डॉक्टर, इसे मरना नहीं चाहिए, अगर इसे कुछ हो गया तो याद रखना कोई जिंदा नहीं बचेगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजा, मेरी बात सुनो राजा। आरामजादे, ये जानते हुए कि वो मेरा भाई था, तूने इसमें गोली क्यों चलाई? क्यों चलाई? क्यों चलाई गोली? हाँ, क्यों चलाई? क्यों चलाई गोली उसमें? क्यों चलाई? शंकारा के खून से गुस्सा ठंडा हो गया हो तो खुशखबरी सुनो, तुम्हारा भाई खतरे से बाहर है। लो डॉक्टर से बात करो। हेलो डॉक्टर, डिप्टी कशिप अब कैसा है? अब वो खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। नेता साहब, मुझे फौरन हॉस्पिटल जाना है। गलती करोगे, वहां पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट होगा और हॉस्पिटल का डॉक्टर जानता है कि डिप्टी काशिप को तुम वहां छोड़कर आए थे। अगर पुलिस ने उल्टे सीधे सवाल कर दिए तो हम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। हां, भाई के गिर से पुलिस का गुबार छट जाने दो, फिर मिल लेना। अभी मेरे साथ एयरपोर्ट चलो। एयरपोर्ट किस लिए? 20 साल बाद लॉस एंजल्स से मेरा पुराना दोस्त शाकाल आ रहा है।
मेहता साहब, आपका दोस्त लॉस एंजलिस से इस छोटे तैयार में बैठकर आया है। बहुत कुत्ती चीज है, न जाने रास्ते में कितने लिबास और कितने जहाज बदलता हुआ यहाँ पहुंचा है। दत्ता साहब, ये आपका अमेरिकन दोस्त है? नहीं, मेरे यार ने जो तस्वीर भेजी है उसके मुताबिक ये उसका बेटा जिमी है। हाँ, वो रहा मेरा यार शाकाल। हाय शाकाल। हाय दित्ता, माय ओल्ड फ्रेंड। वेलकम शाकाल, वेलकम। तेरा और तेरे पाकिस्तान का क्या हाल है? मेरा हाल पाकिस्तान के हाल से बहुत अच्छा है। वेरी गुड। इस मुल्क की तरक्की की रफ्तार ऐसे है जैसे वर्ल्ड रेस में लंगड़ा घोड़ा दौड़ रहा हूँ। तुम बिल्कुल नहीं बदले, नेवर। वही सियासी बातें। हाँ याद आया, इससे मिलो। लॉस एंजलिस में काले गोरे जिसकी दहशत से कांपते हैं, ये है हमारा बेटा जिमी। जिमी, अपने अंकल से हेलो हेलो करो। हेलो अंकल। हेलो बेटा। हाशा गाओ, इनसे मिलो। राजा, मेरा जिगर, मेरा बाजू और मेरे कारोबार का मुहाफिज। जो कह दे वो करता है और जिस बात पर अड़ जाए उसे हर हालत में पूरी करता है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है सिद्धि। वेरी गुड मिस्टर सिद्धि, हैप्पी टू मीट यू। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। शेख खान। साहब, आपके दोस्त से हाथ मिलाकर पता नहीं मेरे खून की गर्दिश तेज क्यों हो गई। तुम्हारा कसूर नहीं मिस्टर जिद्दी, हमसे जो भी पहली बार हाथ मिलाता है उसके खून की गर्दिश तेज हो जाती है या रुक जाती है। मेरी रगों में वो खून नहीं जिसकी गर्दिश तेरे जैसे दो नंबर आदमी के चूने से रुक जाए। ए, ए, कैसे बातचीत? कैसे बातचीत तूने मेरे पापा से? आई यू बस्टर्ड। यू मम्मी डैडी एंड आई एम एवर रेडी। कहो, ये क्या हो गया तुम लोगों? नहीं अंकल, नहीं। हमें इसकी ये अदा भी पसंद आई। अगर ये जिद्दी है तो हम भी किसी से कम नहीं। हमारा और इसका मामला है और फैसला भी हम खुद करेंगे। जब और जहां चाहो वक्त और तारीख मुकर्रर करके कर लेना फैसला। नो मिस्टर जिद्दी, हम बरसों बाद अपने यार से मिलने आए हैं, इसने पूरा तारफ नहीं कराया हमारा। काश हम गुजरे हुए वक्त को वापस लाकर तुम्हें बता सकते कि जिसने भी हमारी आवाज से ऊंची आवाज उठाई, जिसने भी हमें आंख दिखाई, जिसने भी हमसे टक्कर लेने की जुर्रत की, हमने उसे हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर दिया। एक बात तू भी सुन ले, मैं बारूद का वो ढेर हूं जिसे तूने गलती से भी हाथ लगाया तो यह भड़क उठेगा
और तेरे माजी के किस्से रह जाएंगे। तेरी नस्ल का नाम और निशान मिटा देगा ये जिद्दी। खूबसूरत है तुम्हारा ये घर, पसंद आया ना तुझे? अच्छा देखो ऐसा करेंगे, शादी के बाद ना यहाँ पे मैं लगाऊंगा सेज, और उस पे ना वो तो बाद की बात है, और पूरे 11 बच्चे होंगे शादी के बाद हमारे, पूरी क्रिकेट टीम और पूरे घर में वो क्रिकेट खेलेंगे। छक्का। 11 बच्चे? क्यों जानू काम में? क्या बातें करते हो तुम, सिर्फ दो। नहीं नहीं 11 होंगे। नहीं दो, 11। मैं कहती हूँ सिर्फ दो। 11? दो। अच्छा चलो ठीक है, दो तुम्हारे 11 मेरे। क्या यार क्या हो गया, 11 बच्चों से घबरा गई हो? हमारी खाला ना पड़ोस में खाला शकीला, उसके 18 बच्चे हैं। 18 बच्चे? वो जिंदा है क्या? ले, जिंदा क्या है, जिंदा भी है और अपने खामन के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही है। पता है क्या, वो फिर उम्मीद से है। उफ़ जानी तुम क्या बातें करते हो। जानी ये तस्वीर किसकी है? मेरे अब्बा की तस्वीर है, एक डॉक्टर साहब के खानदानी मुलाजिम थे, कुछ लोग डॉक्टर साहब को कत्ल करने के लिए आए, अब्बा ने अपने मालिक पर अपनी जान कुर्बान कर दी, मां सदमे से मर गई और मैं लावारिस बनकर जमाने की ठोकरें खाता हुआ जवान हुआ। लेकिन नरगिस, नरगिस कहां चली गई? खुशी क्या हुआ? हमें जख्मी करके हमारी होने वाली भाभी को कालिए के आदमी चुपके ले गए। कालिया शेराना। हाथ पहनाओ मशरूक नाम मशरूक। इसको सेट के बिठाओ। मेरे मर्शद को बुलाओ। मर्शद ये जो टांगे जवाब दे गई हैं, ये आपके गुनाहों का नतीजा है या बारात पैरों पे से गुजर गई है? बकवास बंद करो, आप निकाह शुरू करें। मैंने भी मुस्तफा कुरैशी समझ। तैनु मेरे बारे किसे ने दस्या नहीं मर जाने हैं। मैं कौन हूं? कौन मैं हुई? तेरा पता करा ले। की पता कराया हुई? ओए तू उस दिल ते बेशरम है। तू कत्ल होने दिया सारिया शर्तां पूरियां कर दितियां ने सोनिया। माफ कर दे और इसके साथ शादी कर ले, आज से ये अचानक मेरी बहन है। ओए अपना कहना मैं कौन हूं,
आज के बाद तू इसका साला है। और मैं साला? अलो गो, और मैं साला वहां खिचे मुंह आ रहा। कुछ साडा भी ख्याल कर, असि भी बड़ी देर तो कुआ रहे हैं। ठीक है, मिल्क पैक दे डब्बे। मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा आपा। और जियो जड्डा खुश की तई। क्या हुआ, ये कैसे हुआ? किसी संदिल ने
तेरे भाई को गोली मार दी है बेटा। काशिफ? हाँ भैया, मैं उस अजनबी का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा जो मुझे जख्मी हालत में यहां लाया, वरना मैं शायद कोई बुरी बात अपने मुंह से ना निकालना। अरे पागल, तेरी जिंदगी के साथ तो हम सांसें ले रहे हैं। डिप्टी काशिफ, आपके इंजेक्शन का टाइम हो गया। हा? अरे आप, ओ डॉक्टर साहब, मैं इसका बड़ा भाई हूं, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, जब बाहर चलिए प्लीज। अरे आइए ना डॉक्टर साहब, परेशानी की तो कोई बात नहीं। अरे कोई परेशानी की बात नहीं है, कुछ दिनों तक उनके जख्म भर जाएंगे और वो घर जाने के काबिल हो सकेंगे, ठीक है? और हाँ, आप जरा इस साहब से मिल लीजिए, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। मैं मिल लूंगा। काशिफ, काशिफ, जैसे मुझे तुम्हारे जख्मी होने की खबर मिली, मेरी तो जान ही निकल गई। काश काश गोलियां मुझे लग जाती। माँ माँ, तकलीफ में माँ ही याद आती है। शबाना, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, माँ, सलाम माँ जी, जीती रहो। माँ जी, ये शबाना है। मैं समझ गई, यही कहना चाहते हो ना कि ये मेरी होने वाली बहू है। भाई कौन बहू बनने वाली है? शबाना, मेरे भैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अई काशिफ, तुम्हारी पसंद तो लाजवाब है। शुक्रिया। क्यों माँ जी? माशाल्लाह। बस माँ जी, काशिफ के सेहतियाब होते ही इसकी पसंद को बाजे गाजे के साथ लाने का इंतजाम करें, बस। ठीक है। लो दिता, हमने तुम्हें अपनी मेडिसिन फैक्ट्री में पार्टनर बनाकर अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। लेकिन शकाल, नो आर्गुमेंट, ये लो पेन और साइन करो। एज यू विश। गुड। ओके शकाल, अब मैं चलता हूं। खुदाफिज। खुदाफिज। आइए आइए, बाय। पापा, आपने दित्ता को पार्टनर क्यों बनाया है? इस मुल्क में कदम जमाने के लिए उसे पार्टनर बनाना बहुत जरूरी था। जब जरूरत खत्म हो जाए तो उस पर एक गोली जाया कर देंगे, दैट्स ऑल। वेल डन पापा। और हां, तुम दित्ता की बेटी पर नजर रखो, अगर वो तेरी हो गई तो दित्ता का सब कुछ तेरा हो जाएगा। हाय बेबी, हाय बेबी, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मुझे जरूरत भी नहीं। शबाना, कौन है तुम और मेरा नाम कैसे जानते हो? मैं तो ये भी जानता हूं कि आपकी उम्र 18 साल है। 36, 24, 36, ठीक है ना? आपके बारे में क्या कुछ जानता हूं? हाँ, ठीक बकवास की तुमने। तेरे चेहरे का ये थप्पड़ तेरे चेहरे पे नहीं, मेरे चेहरे पे पड़ा है। आपके दोस्त की बेटी समझकर मैंने कुछ नहीं कहा उसे, वरना उठा कर ले आता। उसे उठा कर नहीं, फूलों से सजी गाड़ी में बिठा कर लाना है, तेरी दुल्हन बनाकर। और जब वो इस दहलीज पर पहला कदम रखेगी तो 101 थप्पड़ की सलामी उसे मैं दूंगा। शाकाल, दोस्ती और कारोबार रिश्तेदारी में बदल जाए ये बहुत अच्छी बात है, मगर मगर क्या? मैं बेटी की पसंद को नजरअंदाज नहीं कर सकता शाकाल। वो आग से खेलना चाहती है, सोचो, एक भाई तुम्हारे धंधे के अंदर, दूसरा वर्दी के अंदर, और तुम क्राइम काउंसिल के चेयरमैन। यही सोचकर तो बेटी की शादी कर रहा हूं कि कानून मेरे घर का दामाद बन जाए,
ताकि मुझे कोई खौफ ना रहे। गलत सोच है तुम्हारी। चोर की चोर से, डाकू की डाकू से रिश्तेदारी तो निभ सकती है, मगर चोर सिपाही की रिश्तेदारी कभी परवाह नहीं चढ़ती। मेरे बेटे को अपना बाजू बना लो, मैं इसे तेरा घर दामाद बना दूंगा। बोलो क्या फैसला है तुम्हारा? फैसला मुझसे सुनिए। आपका बेटा जलील, घटिया और थर्ड क्लास आदमी है। ये घर दामाद तो क्या, हिफाजत के लिए घर के दरवाजे पर बांधने वाले कुत्ते से भी बदतर है। लड़की आहिस्ता बोलिए, बेगैरत औलाद के बाप इतना ऊंचा नहीं बोलते। इसने सरेआम मुझसे बदतमीजी की कोशिश की थी। पापा निकाल दीजिए ने घर से बाहर और दरवाजे पर लिख दीजिए कि इस घर में इन जैसों और कुत्तों का दाखला मना है। लड़की बहुत जबान चलती है तेरी, अगर तू दित्ता की बेटी ना होती तो न जाने क्या हो जाता। शाकाल हद से ना बढ़ो, जानते नहीं ये कौन है? वाह दित्ता साहब वाह, दोस्त की बेइज्जती पे तो तड़पे नहीं, बेटी की बेइज्जती के तसव्वुर से चीख उठे। मत करो रिश्तेदारी, आई डोंट माइंड, रखो दोस्ती। हम दोस्ती के आईने में दरार नहीं डालना चाहते। ओके गुड बाय, आओ जिमी। शबाना जी। पापा। बेटे तुम काशिफ से कहो कि वो अपने बड़ों को मेरे पास भेजे ताकि मैं तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की कर सकूं। पापा जिंदाबाद। हाय जालिमा, ओ मेरा रेशमी बदन जले।
तीसरे दिन दुल्हन के पास जाने से पहले तवायफ का मुजरा सुनने जरूर जाना। मैं तो अब्बा की वसीयत पे अमल कर रहा हूँ। लाख लानत तेरे अमल करने पे और फिटे मुंह तेरे बाप का। इन बातों को आज तुम्हें ऐसी मसालेदार तवायफ का मुजरा सुनाऊंगा। पैरों में घुंघरू और हर तरफ एक रात की दुल्हन बनाने वाली आंखें थी। आंखें मैं तवायफ हूं, तुम्हें बताते बताते अक्सर रुक जाती। कहीं तुम नफरत की ठोकर मारकर मेरे प्यार का वो ताजमहल तोड़ दोगे जिसे मेरी हसरतों ने बनाया था। हसरतों ने बनाया था मुझे सोने चांदी के महल देने वाले कई थे। तुम हो क्या एक बलैकी है? फिल्म हिट हो जाए तो बादशाह, फिर जाए तो फकीर। मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए अपनाना चाहती थी कि मेरे होने वाले बच्चों को एक गैरतमंद बाप का नाम मिले। तुमने मुझे रंडी कहा, गंदी गाली कहा। मैं रंडी हूँ, बोलो इस रंडी से गाना सुनोगे या कुछ और चाहिए? बोलो 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 बोलो। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं। मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। कंजरा बार तेरे तो वे कंजर आ गई। चलो शाबाश मशूक लेके। अरे अरे भाई क्यों मरना चाहते हो तुम? वाह, जब भी मुसीबत आती है तुम आ जाते हो। अब क्या मुसीबत आ गई? इधरा, मैं इसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ और कंजर इसकी कमाई खाना चाहते हैं। अच्छा, तुम इसे लेकर गाड़ी में बैठो। सुनो कंजर, ये जो है इनका क्या करना है? बहनों के ये भाई दो जबाने समझते हैं, एक नोटों की और दूसरी बारूद की। ओए कंजरो, अब आओ ना, डर गए हो ना, आ जाओ आ जाओ। गोली चला, मैं तेरे साथ हूं। ले तू चला, असल तू ही चला। के सारे अभी तो मैंने भी सामने आना था। वाह यार वाह, क्या जबरदस्त तजर्बा है तुम्हारा। बकवास करते हो। ऐसे कहाँ जाना है? ना घर ना ठिकाना, बहुत बुरा है जमाना। आप हमें चंद दिन की पनाह दे दें, शादी करने के बाद हमें शहर ही छोड़ देंगे प्लीज। सुहागरात मनाने के बाद। ठीक है ठीक है, आओ चलो मेरे साथ चलो। अब चलो भैया, बहुत देर से आए, और ये कौन है? भटके हुए मुसाफिर हैं। लेकिन भैया मन्ना, पुलिस वालों की तरह सवाल जवाब नहीं,
इन्हें पना देनी है। सज्जाद बेटा, तो फिर इन्हें दरवाजे पर क्यों रोका हुआ है? अंदर लेकर आओ ना। माँ, ये जानी है और ये इसकी होने वाली बीवी। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करती हूँ। अच्छा, तुम भाइयों के साथ जरा गपशप लगाओ, मैं जरा किचन में सब्जी काटता हूँ। ठहरिए, इसकी जरूरत नहीं, तशरीफ रखिए। बैठिए। हाँ, इधर बैठो। और तुम भैया इतनी रात के कहाँ होते हो? यार मैं सज्जाद, ये तस्वीर ये हमारे डैडी की है। और ये हमारे पुराने खानदानी नौकर थे जो डॉक्टर साहब पर कुर्बान हो गए थे। ये सब तुम कैसे जानते हो? मैं इनका बेटा हूं। तो तुम टीटू काका के बेटे हो? जी मालकिन, मेरा बाप भी आपका नौकर था और मैं भी आपका नौकर हूं। तुम नौकर नहीं, मेरे बेटे हो। आज से मेरे दो नहीं, तीन बेटे हैं, तीन। हाँ माँ जी ये रकम आपकी डिमांड के मुताबिक है दिखता साहब। कल की अखबारों में ये सुर्खी होनी चाहिए कि हमारा पोजीशन लीडर सादिक कमीन बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ऐसा ही होगा चांडियो साहब, आप मुतमईन होकर जाइए। और हाँ, कल की अखबार देखना ना भूलिएगा। ठीक है दिता साहब, गुड लक टू यू। टाइगर। यस सर। राजा इस वक्त कहाँ होगा?
एक सिपाही मिली है, नाम सादिक अमीन। हो जाएगा, फिक्र ना करें देता साहब। सादिक अमीन साहब, वोटरों की गिनती छोड़िए, जिंदों की लिस्ट से तो आपका अपना ही नाम कट गया है। यकीन था मुझे कि मेरा मुखालिफ चांडियो मुझे रास्ते से हटाने के लिए तुम जैसे किसी नौजवान को जरूर भेजेगा, और फिर मुझ जैसे ईमानदार को मर जाना ही चाहिए, इसलिए कि इस दौर को मुझ जैसे इंसान की जरूरत नहीं। चलाओ गोली, जिस मकसद के लिए आए हो उसे पूरा कर लो। अगर देर हो गई तो तेरे खरीदार तेरे पैसे कम कर देंगे। चलाओ गोली। नौजवान, कहते हो तो लिख देता हूं कि सादिक अमीन ने तुम्हें अपना खून माफ किया। बेटी है मेरी, मां मर चुकी है, मेरे सिवाय इसका कोई नहीं। मुझे कत्ल करने के बाद इसे साथ ले जाना, घर में नौकरानी की जरूरत हो तो घर में रख लेना, वरना किसी यतीम खाने में छोड़ देना। बेटी, बेटी, मेरी बच्ची। तो कुत्ते हो। वाह चांदियो साहब वाह, सियासत की शतरंज की बसात को खूब पलटते हैं आप। सादिक अमीन को मरवाने के लिए जिस आदमी को भेजा उसके कत्ल के आर्डर अपने आदमी को दे दिए। इसी का नाम ही तो सियासत है राणा साहब। अगर वो कातिल बच जाता या कभी भी पकड़ा जाता तो फिर हम ना बचते। चांडियो, जिंदा तो तुम अब भी नहीं बचोगे।
तीन साबका वजीरों के कत्ल से हुकूमत के ईवान हिल गए हैं। मैं ये केस तुम्हें सौंप कर उम्मीद करता हूं कि तुम्हारा हाथ बहुत जल्द कातिल के गिरेबान तक पहुंच जाएगा। ये रही उस केस की फाइल। और हां, जय वारदात से ये एक घड़ी मिली है, शायद ये तुम्हारी कोई मदद कर सके। काशिफ, किस सोच में पड़ गए हो? सोच रहा हूं सर, इस पे ये घड़ी थी, वो हाथ किसका था? सज्जाद, लो ये दूध पी लो। अरे अरे अरे, दूध तो आराम से पी लिया करो, किस बात की जल्दी है तुम्हें? दो घड़ी माँ के पास भी बैठ जाया करो। काम समेत जाओ माँ, फिर तेरे पास ही रहूंगा। झूठ कहते हैं ये। माँ जी, भैया काम की जिस दलदल में फंसे हुए हैं, अगर निकलना भी चाहें तो नहीं निकल सकते। क्यों भैया? सज्जाद, मुन्ना क्या कह रहा है? अरे माँ, ये पुलिस वालों की जबान बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी? क्या टाइम हुआ है? टाइम? ओ मेरी घड़ी। ये रही आपकी घड़ी, जहां काम करने गए थे शायद वहीं भूल आए। अरे मुन्ना, पता नहीं तुम किसकी घड़ी उठा लाए, मेरी घड़ी तो ये है। मेरा वक्त हो गया माँ, मैं चला काम पे। ओके मुन्ना। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। हमारी शोर से भी ज्यादा मुनाफा हुआ है। गुड, वेरी गुड। ये तो पहली सप्लाई का मुनाफा है, दूसरी सप्लाई कब होगी? उसका बंदोबस्त करने जा रहा हूं। रात को किसी वक्त भी मेडिसिन मुख्तलिफ शहरों में रवाना कर दी जाएंगी। ओके, गुड लक टू यू। थैंक यू डैड। शाकाल साहब, क्या खबर लाए हो? पूरी जांच पड़ताल के बाद ये पता चला है कि सारे शहर में एक ही आदमी सख्त है, जिससे हमें हर कदम पे बचना होगा। कौन है वो? डीएसपी काशिफ चौधरी। खरीद लो उसे। वो बिकता नहीं। तो फिर जान से मार डालो। सोच लीजिए शाकाल साहब, वो आपके पार्टनर रीता साहब की बेटी का प्यार भी है। इसलिए तो फैसला किया है मैंने कि उसे मार दो। मैं रीता की बेटी का प्यार परवान नहीं चढ़ने दूंगा। लगता है लू 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 सजन लग टुनू टुनू, सु लगता है लू 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 सजन लग टुनू टुनू। बड़ा तड़प जवानी आग ढूंढती है पानी, जब बाहों में तू ले ले जानी, सु लगता है लू 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 सजन लग हा, सु लगता है लू 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 टुनू टुनू।
जिंदगी में आज कुछ और हो गई। देखो सबसे निराली मेरी टोर हो गई। कल और थी मैं आज कुछ और हो गई। देखो सबसे निराली मेरी टोर हो गई। लगता है लू 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 सजन लगे हाँ लू 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 सजन लगे टुनू टुनू। कैसे हुआ? नाकिस दवाओं और जहरीले इंजेक्शनों की वजह से। कौन बनाता ये मेडिसिन और इनकी फर्म कहाँ है? चालाक मुजरिमों ने इस पर लेबल भी जाली लगाए हैं। यहाँ से खरीदे गए थे। मुझे उस मेडिकल स्टोर का बिल दे। कोई सवाल मत करना, सिर्फ इतना बताओ कि इन मेडिसिन की डिलीवरी कहाँ से आती है? ये वो झूठ बोलोगे तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बताता हूँ भाई, बताता हूँ। हरियाप जल्दी करो, वक्त बहुत कम है, जल्दी करो, जल्दी। जिमी साहब क्या है? हमारी दुआओं से बहुत से मरीज मर गए हैं। कानून के इमरजेंसी इदारे हमारे खिलाफ हरकत में आ गए। हमें डराते हो? कानून हमारी मुट्ठी में है, समझाइए खर्चा। ओपन द गेट। कौन हो तुम? जुर्म करते हो, कानून को नहीं जानते। तुम्हारे सामने डिप्टी काशिफ चौधरी खड़ा है। यहां आने की जरूरत करने से पहले अपने किसी बड़े से पूछ लिया होता। तुम जैसे पुलिस वालों की किस्मत के फैसले हम शराब की टेबल पर करते हैं। बदनसीब होते हैं वो पुलिस वाले जिनकी किस्मत के फैसले तुम जैसे बेगैरत करते हैं। इंसानी जिंदगियों से खेलने वाले दरिंदो, दौलत की खातिर ये दवाइयां बनाते हो। लानत है तुम पर। लानत आफिसर।
अब तुम कानून के शिकंजे से नहीं बचोगे। इस कानून की बात करते हो, दो दो पैसे में बिकता है तुम्हारा कानून। अपनी और अपने कानून की कीमत बताओ, कितना खानदान है तुम्हारा? 14 करोड़। मैंने तुम्हारे खानदान के अफराद की तादाद पूछी है, पाकिस्तान की आबादी नहीं। पाकिस्तान थल है मेरा और इसमें बसने वाले मेरा खानदान है, और मेरे खानदान को बर्बाद करने वाला कोई जमीर फरोश कानून की गिरफ्त से नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। गोदाम के तय खाने में से एग्रीमेंट की ये फाइल बरामद हुई है। इसके मुताबिक इसके बिजनेस में दो और पार्टनर भी हैं। वो कौन है? एक तो ये खुद है, दूसरा मैंने सुना है शायद इसका कोई मुंह बोला बाप है, और तीसरी शख्सियत कोई दित्ता साहब है। दित्ता? काशिफ, पुलिस लेकर यहाँ क्यों आए हो? ये मेरी मजबूरी है। दित्ता, दित्ता, इसलिए कि तुम्हारे बदन से वो लिबादा उतर चुका है जिसकी वजह से लोग तुम्हें दित्ता साहब कहते थे। तुम्हारे वारंट गिरफ्तारी मेरी जेब में है। अरे सिम, मुझसे न सुनो, कल के अखबार में अपने बाप के बारे में पढ़ लेना। मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। मेरे मेरे फरिश्ता सिर बाप पर क्या इल्जाम लगाया है तुमने? इल्जाम नहीं, मेरे पास सबूत है। इनका जुर्म बताओ, कौन, बोलो। तो फिर सुनो, मेडिसिन फैक्ट्रियों में जानलेवा दवाइयां बनाना, इंसानी जिंदगियों का सौदा करके पैसा कमाना, नाजायज कब्जा, दहशतगर्दी, सच्चे पापा। मुंह मत फेरो, मुंह फेरने से पर्दे जुर्म पर लगी जुर्म की स्याही मिट नहीं जाएगी। अपनी बेटी के सामने इकबाल जुर्म करो। मिस्टर दित्ता, नंबर पैसा बहुत है तुम्हारे पास, जमीन की अदालतें तो नंबर पैसे का हर कसूर माफ कर देती है। तुमने मुझे अपनी दिल पर एक शख्सियत को फरेब दिया है, जुर्म की ठोकर से मेरी अकीदत का कामा तोड़ा है। तुम्हारा नाम मेरी जुबान का फखर था, तो तुमने मेरा फखर मुझसे छीना है।
मेरा फखर मुझसे छीना है। तुम्हें बाप कहते हुए शर्माती है मुझे। सुन लो, आज के बाद मैं तुम्हारे लिए मर गई और तुम मेरे लिए मर गए। मरे तुम मेरे लिए, ले जाओ इसे, ले जाओ। ये तुमने अच्छा नहीं किया काशिफ। आपस में बात करते तो कोई रास्ता निकालते, मेरा भ्रम कायम रहता। तुमने तो बेटी के सामने मेरे चेहरे का मास्क ही नोच लिया। बाप क्या है, औलाद को पता होना चाहिए। तुम्हारा भाई क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए। मेरे जुर्म की स्याही से तुम्हारे भाई के भी हाथ काले हैं। वो मेरे जरायम की मशीन का पुर्जा है, पुर्जा। यही तो मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता था। शक था मुझे, उस पर यकीन तुम्हारे बयान ने दिला दिया। ले चलो उसे। माँ जी, माँ जी। क्या है ये? बम। माँ जी मिठाई है, अल्लाह ना करे। ये किस चीज की मिठाई है? पहले आप मुंह मीठा करें, बाद में बताऊंगा। तुम भी मीठा करो। भाई तू भी मुंह मार ले। ये बताओ, ये मिठाई किस खुशी में? भाई काम की कमाई। मुबारक हो बेटा। खैर मुबारक माँ जी, खैर मुबारक भाई। माँ जी बस आप जल्दी से ना हम तीनों भाइयों के हाथ पीले कर दें। मेरा मतलब है कि बाजा बजा दें। अरे बेटा काशिफ की होने वाली देख ली है और अपनी तो तू साथ लेकर आया है। माँ जी अगर आप इजाजत दें तो 15-20 अपने लिए और ला सकता हूँ। बकवास बंद कर। और सजाद के लिए शरीफ बादब नेक बहू इस जैसी लेकर आऊंगी। दा न करे, इस जैसी बहू इस घर में कदम रखे। क्या बकवास कर रहा है तू? तेरा ये बेटा वो नहीं कि तू इसे समझती है। जुर्म की दुनिया का राजा और इस घर का सजाद बहुत बड़ा मुजरिम है। नहीं नहीं, झूठ बोलता है तू। मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। तेरे बेटे के ये हाथ कई इंसानों के खून से रंगे हैं, इसीलिए इन हाथों को हथकड़ी पहनाने आया हूं। एहसान फरामोश जिसने अपनी मां के हाथों के जख्मों को अपने हाथों का मुकद्दर बनाया, जिसने तुझे बोलना चलना वर्दी पहनना सिखाया, तू उसको हथकड़ी पहनाएगा, हथकड़ी पहनाएगा। कानून के मुंह पर थप्पड़ मारने वाला हाथ किसी और का होता तो मैं उसे तोड़ देता, लेकिन मजबूरी ये है कि तू कानून की मां है और मैं मां का बेअदब नहीं हूं। मैंने जो कहा उस पर यकीन करो। तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा मुजरिम है।
मेरी बहनो राजा। एक बदनसीब को इज्जत देने का वादा किया है, उसे मां के पास छोड़ दूं, गिरफ्तारी देने थाने खुद आऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है मुन्ना। मुन्ना नहीं, कानून कहो। और कानून मुजरिम को बातों पे नहीं छोड़ता। और मैं अपनी मर्जी के बगैर कानून के हाथ नहीं आता। जिद न करो राजा, मेरे पास तुम्हारे लिए गोली का ऑर्डर है। अरूज से मत डराओ डिप्टी, शोलों में जलकर कुंदन बना है ये जिद्दी। कानून से बड़ा जिद्दी आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। आज कड़ी पहनो वरना गोली मार दूंगा। हट जा मां। नहीं, मैं कहता हूं हट जा मां, हट जा। गोली मत चलाना, गोली नहीं चलाना। मां, ये तुमने क्या कहा, क्या कहा तुमने? तेरा कानून भी जिद्दी, तेरा मुजरिम भी जिद्दी, दो जिदों के टकराव में वो अपनी खुद कैसे गाली कर लेती, कैसे गाली कर लेती, कैसे गाली कर लेती। तुमने वादा किया था ना मेरा सौदा नहीं होगा, फिर क्यों किया मेरा सौदा, क्यों की वादा खिलाफी, क्यों? ना समझ होते हैं वो जो तवाइफ के वादे और सावन के बादल का एतबार करते हैं। आज तुझे मेरी मर्जी से, ये मेरा फैसला है। बेटियों की कमाई खाने वाले फैसले सुनते हैं, सुनाते नहीं। इस उम्र में और ये जो थे, इन लोगों को अपनी उम्र का भी ख्याल नहीं। वेरी बैड, वेरी बैड, बहुत गलत कर रहे हैं। नहीं, अच्छा कर रहे हैं। क्या क्या मतलब? सत्ता की है। यकीन था कि तुम आओगे राजा, इसीलिए शहर में दाखिल होने वाली सड़क पर नाकाबंदी लगाई है मैंने। यू आर अंडर अरेस्ट। घर में तुम्हारी जिंदगी की हिफाजत के लिए ममता दीवार बन गई थी, लेकिन यहां कोई होशियारी करोगे तो जिंदा नहीं बचोगे। दुश्मन और कानून की दी हुई धमकियां मेरे हौसले बढ़ाती हैं डिप्टी। घर में ममता दीवार ना भी बनती तो अपना वादा निभाने चले जाना था मैंने, और अब भी तुम मुझे नहीं रोक सकते। स्टॉप द फायरिंग भैया, इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलो भैया। अगर मैं इमरजेंसी में जज के घर से आपकी और जीमी की जमानत ना करवाता
तो आपका होने वाला दामाद काशफ कोर्ट से रिमांड लेकर आपको जुबान खोलने पर मजबूर कर देता। राजा कहाँ है? वो पुलिस की गोलियों से जख्मी हो गया था और अब वो जनरल हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने कहा था वो बच जाएगा। कुछ नहीं बचेगा आज, कुछ नहीं बचेगा। सुबह होने से पहले पहले हमने अपने खिलाफ तमाम सबूत और अपने तमाम दुश्मनों को खत्म करना है। कौन हो तुम? डिप्टी काशिप की क्या लगती है तू? मैं माँ हूँ उसकी। वो जहाँ भी है बुला उसे, उसे कहो उसके घर उसकी मौत आई है। माँ खुद तो मर सकती है लेकिन मौत के सामने बेटे को नहीं ला सकती। तू बताएगी, जरूर बताएगी, जरूर बताएगी। बोल बोल, दीप्ति काशम कहाँ है बता। जी माँ जी, कि वो बीवी है जो उस रात बच्चों समेत हमारे हाथ से बच गई थी। टिप्पी कच्चे धागे से बंधा इनके पीछे चलाएगा। नहीं, नहीं, छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें प्लीज, नहीं, छोड़ दो। बेटी तो दुश्मनों के साथ मिल गई है। गन फेंक कर इनकी मौत के आगे से हट जाओ शबाना। बाप खोकर यतीम तो हो गई, ससुराल खोकर लावारिस नहीं बनूंगी। अपना बारूद चलाओ दीता सेठ, बारूद चलाओ। जो जान मैं तुम्हारे घर से लेकर चली थी वो आज अपने ससुराल वालों पर से कुर्बान करके मैं ये समझूंगी कि मैंने अपनी बहू होने का हक अदा कर दिया। तुम्हारी बेटी बागी हो गई है दित्ता, इसकी सजा बारूद नहीं। अब ये उस बेवा की बहू बनकर नहीं मेरे जिम्मे की रखेल बनकर रहेगी। बेटी की नजरों से गिरा है, बेटी बाप का रिश्ता खत्म तो नहीं हुआ। मामा!
नहीं जीवी नहीं। अरे बेवकूफ, ये सब तो ढाल है हमारी। उस वक्त तक जब तक राजा और डिप्टी मर नहीं जाते, जाओ और शहर में बीमारी की तरह फैल जाओ और राजा और डिप्टी को मार कर आओ और उनकी लाशों पे खड़े होकर मुझे फोन करो। जाओ। क्यों बचाया, क्यों बचाया मुझे खून देकर? मैंने भाई को नहीं, एक मुजरिम को बचाया है। राजा, तिता साहब, इन उखड़ी हुई सांसों को समेटकर तुम्हें यह बताया हूं राजा कि तुम दोनों भाइयों के बचपन को यतीम करने वाला शाकाल है। शाकाल, शाकाल। राजा, कल वो मेरी बेटी, तुम्हारी मां और सबको लेकर वेल से शमाली पहाड़ियों से गुजरते हुए सरहद क्या दिलशीन, मेरी मौत के सामने क्यों आ गई? क्यों? प्यार सिद्धि यार से करो, हम उसके सर पर आने वाली मौत को अपनी जान देने की जिद ना करो तो फिर मेरे प्यार की भी ऐसी की तैसी। दिलशीन, जाओ राजा, तुम दोनों भाइयों को यतीम करने वाला जिंदा ना बचे। लेकिन तुम्हें इस हालत में नहीं। तुम्हें मेरी प्यार की कसम, जाओ राजा, जाओ, जाओ राजा, जाओ, जाओ, जाओ राजा, रुक जाओ। राजा को न रोको, उसे बाप के खून का कर्ज उतारने दो,
उसे ना रोको, उसे ना रोको, खुदा के लिए।
गिरफ्तार करने आया है। तू अकेला तो क्या, अपने पीछे पुलिस की यलगार भी ले आए। इस सिद्धि को कड़ी नहीं पहना सकता। आपके खून का कर्ज सर से उतार दिया है मैंने। तुम हथकड़ी लगाकर अपने कांधों के फूल बढ़ा सकते हो। संभाल लो, कानून बनू तो तुम्हें जिंदा छोड़ने की इजाजत नहीं है मुझे। बेटा बनू, तो बाप के खून का बदला लेने वाले जिद्दी भाई को सलाम करने को जी चाहता है मेरा। सलाम। मुन्ना, मुन्ना भैया, भैया।